था तब। 2012 में तरुण गोगोई जी ने स्वयं वक्तव्य दिया है कि दंगे हो रहे हैं लेकिन कांग्रेस की केंद्र की सरकार ना ट्रूप्स दे रही है ना इंटेलिजेंस दे रही है। कोकराझार की बात करते हैं कि मेरा वक्तव्य नहीं है, तब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का वक्तव्य है। कोकराझार में हिंसा होती है, धुबरी में तीन तीन महीने कर्फ्यू रहता है। आज महोदय जो लोकतंत्र की दुहाई दे चुके हैं, हम बार बार इस सदन में बार बार इमरजेंसी की गाथा को याद करते हैं। इस सदन में हम लोग बार बार उन नेताओं को, उन सामाजिक संस्थाओं को, उन मीडिया के बंधुओं को, उनकी प्रिंटिंग प्रेस कैसे जबरन बंद की गई उसको, इस पर विस्तृत चर्चा होती है। लेकिन इमरजेंसी के कालखंड में साधारण महिला का इन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने क्या हश्र किया। स्नेहलता रेड्डी की आज बात करना जरूरी है। बेंगलुरु की जेल में बंद किया गया और इसलिए बंद किया गया क्योंकि वो सोशलिस्ट थी, भाजपा ही नहीं थी, सोशलिस्ट थी। और जब बंद किया 2 मई 1976 को, तब उन्होंने अपनी प्रिजनर्स डायरी में लिखा, और मैं कोट कर रही हूं जो पब्लिकली अवेलेबल है, एज अ वुमन कम्स इन शी इज स्ट्रिप्ड नेकेड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन एल्स। व्हेन अ ह्यूमन बीइंग इज सेंटेंस्ड इज द पनिशमेंट नॉट इनफ, मस्ट द ह्यूमन बॉडी बी डिग्रेडेड एंड ह्यूमिलिएटेड। ये स्नेहलता रेड्डी के शब्द है जो उन्होंने इमरजेंसी के कालखंड में जेल में लिखे, अपनी अचीवमेंट्स को बताते हुए। June 6, 1974 में स्नेहलता रेड्डी लिखती है दैट एटलीस्ट आई हैव अचीव्ड समथिंग हियर, आई हैव स्टॉप्ड द हॉरिबल बीटिंग्स द विमेन प्रिजनर्स यूज्ड टू गेट। ये कांग्रेस का इतिहास है और ये भारत की बात करते हैं। अस्थमा की पेशेंट थी ये महिला, जेपी जी को तो डायलिसिस ना करने दिया, अस्थमा की इस पेशेंट को दवा नहीं लेने दी। वो 2 बार एस्थमेटिक कोमा में गई और एस्थमेटिक कोमा में जाते जाते जब उनकी हालत बिगड़ी तो पेरोल पर उनको 15 जनवरी 1977 में छोड़ा। चार्जशीट में इस औरत का नाम नहीं था और 5 दिन बाद उनका देहांत हो गया। इनका इतिहास खून से सना है और जिनकी हत्या हुई आज वो इनको कटघरे में नहीं ला सकते, इसलिए आज इस सदन में मैं उनका नाम ले रही हूं, उनके बारे में बोल रही हूं। चाहते हैं कि मणिपुर पे चर्चा हो, महिलाओं मणिपुर पे चर्चा करने के लिए बार बार पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री ने गुहार लगाई, बार बार देश के गृह मंत्री ने कहा, हमारे श्रद्धे राजनाथ जी ने भी कहा, कि आप मणिपुर पे सदन पर चर्चा कीजिए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, भागे ये हम नहीं, भागे ये और हम नहीं। और भागने के पीछे कारण क्या, क्योंकि गृह मंत्री जब बोलने लगेंगे, पढ़ते जब खुलने लगेंगी, तब ये मौन साध लेंगे। मौन मुद्रा का उल्लेख हुआ था, मौन थे ये लोग कई चीजों पर और आज भी हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे हाथ में KPMG की एक रिपोर्ट है जो इनके कार्यकाल से संबंधित है, जो कहता है कि करप्शन की वजह से UPA की कार्यकाल में हमारे देश की GDP की ग्रोथ को
9% का नेगेटिव इंपैक्ट होगा, ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज बोल रही थी, लेकिन ये चुप थे, आज भी चुप हैं। जो लोग जीरो लॉस थ्योरी सिखाते थे, आज उसी कांग्रेस के एक नेता को कोयला घोटाले के लिए सजा हुई है और वो चुप है, लेकिन चुप और बहुत सारी चीजों में रहे महोदय। 2005-6 में यूपीए की सरकार को यह ज्ञात हो गया था कि खुले में शौच करने की वजह से महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। 2005-6 में इनको पता था, ये सरकारी सर्वे में ज्ञात हुआ है, लेकिन ये चुप थे। 2010 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने कहा, इनकी तब सरकार थी, कि स्वच्छता ना होने की वजह से देश की जीडीपी पर 6.4 का नेगेटिव इंपैक्ट है, ये चुप रहे। महिला का बलात्कार खुले में शौच में हो रहा था, इनको पता था, ये चुप रहे। 2014 तक देश में केवल 39% आबादी को इन्होंने टॉयलेट की व्यवस्था सुनिश्चित करके दी, 2019 तक 100% कवरेज हुआ, 110 मिलियन टॉयलेट। ये हंसते हैं इस पे अध्यक्ष जी, शायद इनको पता नहीं है कि एक महिला के लिए दिन की शुरुआत में शौच के लिए बाहर जाना या सूर्यास्त का इंतजार करना, शौच के लिए बाहर जाना और वहां उसका शारीरिक शोषण होना, बलात्कार होना, ये कितनी बड़ी सामाजिक और क्रिमिनल चुनौती है, इस बात से इनको कोई सरोकार नहीं, इसलिए उपहास का विषय बनाते हैं। आज मुझे ये कहते हुए शर्मिंदगी है कि मैं यहां पर कह रही हूं कि खुले में शौच करने वक्त औरत का बलात्कार होता है, ये उपहास उड़ा रहे हैं और महिला उपहास उड़ा रही है। शायद यही लक्षण है कांग्रेस मित अलायंस के, कि औरत का बलात्कार हो तो ये हंसे, भारत माँ की हत्या की बात हो तो ये यहां पर तालियां पीटे, ये कांग्रेस का लक्षण है। इनकी प्रस्तावना के वक्त ये कहा गया कि हम बात करेंगे मात्र एक व्यक्ति से, हम किसी मंत्री से बात नहीं करेंगे, क्योंकि मंत्रियों की कार्यशैली पर इनको चर्चा नहीं करनी। और शायद सच भी है, इनका अपना अनुभव है कि इनके यहां पावर का केंद्र बिंदु एक था, यहां पर फर्क यह है कि हम सब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के भागीदार हैं। इसलिए आज जब गजेंद्र शेखावत जी के मंत्रालय की ओर से टॉयलेट की व्यवस्था होती है, तो मैं एक महिला सांसद और नागरिक के नाते इनका भी उतना ही अभिनंदन करती हूं जितना कि प्रधानमंत्री जी का। जल जीवन मिशन महोदय, हमारे देश में जब इनकी सरकार थी तो मात्र 3 करोड़ परिवारों तक नलके से पानी पहुंचता था। अब 2019 का आंकड़ा कहता है कि आपने तब तक 9.5 करोड़ तक पानी पहुंचाया और अब लगभग 12 करोड़ 40 लाख तक आपका पानी नलके से पहुंच चुका है। लेकिन इनको इससे भी सरोकार नहीं कि अगर टॉयलेट बना, महिलाओं का शोषण कम हुआ, देश की साधारण महिला का सम्मान बढ़ा, तो इनसे इनका कोई सरोकार नहीं, स्पष्ट है। गरीब के घर में नल से जल पहुंचा तो कांग्रेस का उसका कोई सरोकार नहीं, ये स्पष्ट है और सही है। हमारा सरोकार है, देश हमारा है, सेवा हमारी है। आज
ये उत्तेजित है कि मैं इस सदन में मंत्रिमंडल के अपने कई सहयोगी साथियों का वर्णन करती हूं। एक ऐसी महिला मंत्री का वर्णन कर रही हूं जो वर्तमान में नहीं है। जनधन के माध्यम से 23 करोड़ महिलाओं का बैंक का खाता खुला, ये इनके लिए कोई मान्यता नहीं रखता, ये मुझे स्वीकार है, ये हमारे लिए अहम है। मुद्रा के माध्यम से 40 करोड़ लोगों को जो जीवन में कभी व्यवसाय नहीं कर पाते थे, जिनके पास कांग्रेस की पर्सनल डायलिंग मशीन नहीं थी, उनको मुद्रा का लोन मिला। 27 करोड़ लोन महिलाओं को दिए गए, महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 23 लाख करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया मुद्रा के माध्यम से, इनका उससे कोई सरोकार नहीं। 8 करोड़ नौजवान हमारे राष्ट्र के इतिहास में फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स बने, इनका उससे कोई सरोकार नहीं। 1,80,000 अकाउंट्स में स्टैंड अप इंडिया का 40,000 करोड़ का पैसा दिया गया, 80% महिलाएं। प्लीज क्या वह अपनी बात कह रही है, तथ्यों के आधार पर कह रही है। आपको खंडन करना है तो आप बोलना, जब तथ्यों के आधार पर करना गलत बात है। नौ गलत। माननीय मंत्री जी की मन अनुमति से सर मैं पुनः बोलूं, जैसा कि मैंने कहा, महिला का अगर आर्थिक सामाजिक उत्थान होता है